सैफ अली खान के बेटे के साथ नजर आई पलक तिवारी, कैमरे ने किया कैद तो मुंह छुपाने लगे इब्राहिम। बॉलीवुड में नए साल का जश्न देखने को मिल रहा है। सेलिब्रिटीज अपने अपने अंदाज में फैंस को साल 2024 की मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने 31 दिसंबर की रात को जमकर पार्टी भी की। उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। उसमें बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान नजर आ रहे हैं। दोनों स्टार किड्स को जश्न के मोड में देखा गया। जब कैमरे ने उन पर फोकस किया तो दोनों मुंह छुपाते नजर आए। उसके बाद से उनके रिलेशनशिप की खबरें मजीद तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर नेटिजंस नए जोड़े के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। पलक तिवारी ने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्मों के साथ साथ वो अक्सर फिल्मी पार्टियों में भी नजर आती है। वो सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ कई बार देखी जा चुकी है। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप की तस्दीक नहीं की है, लेकिन नए साल के मौके पर उन्हें एक साथ देखना लोगों में मौजूए बहस जरूर बन गया है। न्यू ईयर पार्टी के दौरान पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान का एक साथ नजर आना हर किसी के दरमियान बहस का मौजू बन गया है। अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम आम तौर पर कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो पलक तिवारी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। पलक तिवारी ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही है, जबकि इब्राहिम ब्राउन जैकेट पहने हुए हैं। कैमरा देखकर इब्राहिम अपना चेहरा छुपाते नजर आ रहे हैं। पलक और इब्राहिम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजंस ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। जहाँ एक यूजर ने पलक को पटौदी खानदान की बहू बताया तो दूसरे ने श्वेता तिवारी से कहा कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। एक और यूजर ने लिखा अब रिश्ता कंफर्म हो गया है।